भिंड वाले बदनाम है कट्टे उट्टे के लिए, लेकिन यहाँ लगभग कितने भंडारे थे? सब पांच सात भंडारे, सात में से मुझे लगता है सब भिंड भिंड के, भिंड के लोग ऐसे नहीं अच्छे लोग खिलाते हैं। देखो मेरे को खिला रही है घी लगी रोटी। और ये आदमी को 30 सेकंड बोलने को दिया जाए और वो 30 बार एक ही व्यक्ति का नाम ले तो इसे क्या कहेंगे? चूंकि मेला की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, ये सिपाही से लेकर पटवारी, शिक्षा विभाग के शिक्षक और डॉक्टर, पार्किंग वाले लड़कों, सबकी मदद से संभव होता है। इस बार का जो काम था उसमें हर किसी का बहुत बड़ा योगदान था। रातों को लोग जागे, SDM साहब बैठे रहे, हमारे TI साहब, सभी ने मेहनत की, तब ये जाकर संभव हुआ। इस बार का मेला कैसा रहा ये बताओ? बहुत बढ़िया रहा, पटेल साहब ने बहुत मेहनत करी, शिवरात काउंटर पटेल साहब जागते रहे, श्रद्धालु बहुत बहुत जाना वो है प्रसन्न, और पटेल साहब ने तो जो मान लो कमाली कर दी साहब। हमने तो नहीं की, ये बताया इस बार की पार्किंग कैसी रही? सर, एक नंबर की पार्किंग रही साहब, एक नंबर पार्किंग रही, और सब लोग मतलब श्रद्धालु परेशान नहीं हुए। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था रही हमारे पुलिस प्रशासन की, और सब अच्छा रहा। और साहब लोगों ने, हमारे SDOP साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, पूरी नाइट मतलब गश्त देते रहे और किसी को कोई परेशानी नहीं आई, और हम पुलिस कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। दाल टिक्कर खिलाते हैं, दाल टिक्कर भी खिला रहे हैं साहब को, साहब से हमारा बहुत स्नेह है। अच्छा बताओ, पिछली बार कितना लोगों को पैदल चलना पड़ा था? कितने किलोमीटर लगभग? कम से कम 10 किलोमीटर कम से कम। बार इस बार पिछली बार बार तो मात्र इस बार सर 1 किलोमीटर चलना पड़ा बस, ओनली 1 किलोमीटर। बहुत अच्छी व्यवस्था रही सर, आप तो मोटरसाइकिल वाले तो और कम चले होंगे ना? चले ही नहीं है सर, वो तो चले ही ना, सीधे ही पहुंच गए। मोटरसाइकिल वाले तो बहुत प्रसन्न है, जो करे पटेल साहब ने साहब बचाए ले मधुर के बेटे, माते भी आ गए, पटेल साहब की जयकार है रही साहब। दोपहिया वाहन वाले बहुत बढ़िया। हमने इस बार एक मोटरसाइकिल पार्किंग थी, प्रशासन ने बहुत अच्छा, मंदिर समिति ने संसाधन दिए, जहाँ 50 मोटरसाइकिल खड़ी होती थी वहाँ इस बार हमने 2500 मोटरसाइकिल खड़ी कराई व्यवस्थित। पूरी रात हमारे पुलिस सिपाही लगे रहे और कुछ पार्किंग वाले भी, तो व्यवस्थाएं बनाने से बनती हैं, सबके सहयोग से। इस बार जो दर्शन करने आए थे वो मुझे लगता है कम थके होंगे, कम गुस्सा हुआ होंगे, अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मंदिर के पास तक पहुंच गए। जितने यहाँ 3-4 किलोमीटर कम से कम चलना ही पड़ता है। सर आप लोगों को बहुत दुआ दे रहे हैं, वो लोग आप लोगों को बहुत दुआ देंगे, ये देंगे और कौन पटेल साहब ने दे रहे हैं, और को नहीं दे रहे हैं, पटेल साहब बहुत दुआ दे रहे हैं साहब। भिंड का एक और भंडारा मिला, ये ग्वालियर साल सर, ग्वालियर ग्वालियर बैठ का जमुपुरा, अरे वाह, ग्वालियर के कम मिलते हैं भंडारे, भिंड के ज़्यादा। ये वो पिछली बार सलाह दी थी कि कड़ी चावल बनवाना भंडारे में, तो इस बार इसने कड़ी चावल का भंडारा रखा है। आ जाओ दरोगा जी, चावल अच्छे दिख रहे हैं तुम्हारे? हाँ वही तो बड़ा दिख रहा, देखो हरी पत्ती वाला चावल है, कड़ी है, कड़ी कड़ी खा लो या ना लो, और पतली भी रख सकते थे ना। बैठाओगे कहाँ सर? उतारने के लिए कितने लोग लगते हैं? उतारने के लिए तो नहीं उतारा था हमने, तो इसी पे बनी थी बराबर, लास्ट में उतारा है। आ जाओ रतनगढ़ की देवी, जंगल की देवी है, यहाँ सब जंगल में होता है, अब जंगल में इसी को कहते जंगल मंगल। आज तो क्या शनिवार है ना? हाँ। तो लेटने लायक बना दियो और सर यहीं सो जाएंगे आराम से, थके हुए। अच्छा वो एक सो तो रहा, देखा ना, देखा ना वो सो रहा। बुलवा तो लो, आमंत्रित करो तो। ये लेके आना वहां से, लेके आओ ना, ले ले नीच, ले ले नीच, सोट हो गया बंद कर।